नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित वर्मा और आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हेल्पफुल टेक्निकल टेस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को एडवांस में दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन के लिए खुशहाली लेके आए, आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हंसते रहें, ठीक है दोस्तों, और मेरी वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, बहुत से पिछली जो मैंने वीडियो बनाई है इस चेजर के ऊपर, देखिए ये चेजर है, ठीक है, आपने देखा होगा कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है चेजर की, उसमें मैंने इस चेजर का यूज किया है। सीरीज मतलब जो लाइट होती है उनको चेजिंग करवाने के लिए, रनिंग करवाने के लिए मैंने इस चेजर का यूज किया है, ठीक है, ये देख लीजिए। तो दोस्तों, अब बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि सर, बहुत से लोग कमेंट पूछ रहे थे कि सर ये चेजर नहीं मिल रहा है, ठीक है, और मिल रहा है तो इसमें जो कनेक्शन है वो कैसे करने हैं, ठीक है, कितना लोड देना है, कितनी सीरीज लगानी है, क्या हम 6 से ज्यादा सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है, क्या हम 12 18 सीरीज लगा सकते हैं, और एक सीरीज के अंदर कितना लोड होता है, क्योंकि इसमें देख लीजिए आप 500 वॉट लिखा है, तो क्या हम मतलब 12 सीरीज लगा रहे हैं तो उनमें कितना लोड होता है। ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां बात करते हैं इस चेजर की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये चेजर ये शिवम कंपनी का है और एक महालक्ष्मी कंपनी के नाम से भी चेजर आता है, ठीक है। ये 6 चैनल है चेजर, आपको 4 चैनल भी मिल जाएगा। चैनल मतलब क्या, देखिए जी, जहां पर 6 लाइट है मतलब इधर आप 6 कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप 6 से ज्यादा कर सकते हैं, आप 12 कर सकते हैं, 18 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है लोड पर, ये इसमें साफ लिखा हुआ है 500 वॉट से आप ज्यादा लोड नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये चेजर के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, और इसका क्या काम है मैंने पिछली वीडियो में सारी आपको बता के रखा हुआ है कि ये रनिंग करवाता है सीरीजों को, ठीक है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये मिल नहीं रहा दोस्तों, देखिए ये आसानी से नहीं मिलता है मार्केट में, और अभी तो आना ही बंद हो गया है फिलहाल में, बिल्कुल शॉर्टेज चल रही है, मेरे इधर भी नहीं है, ठीक है। तो आप यदि आपको ऑनलाइन मिल रहा है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ठीक है। और प्राइसिंग की बात करें तो ये मुझे 250 का पड़ा था, ऑनलाइन महंगा हो सकता है या फिर सस्ता भी हो सकता है, ठीक है, आप इसके अनुसार देख लीजिएगा। 4 चैनल का आता है वो 200 रुपए का होता है 500 वाट का, ये 6 चैनल का है 500 वाट का, 250 का मुझे पड़ा था, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, आप इसमें 500 वॉट लिखा है तो एक सीरीज का लोड कितना होता है, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, आपने ये सीरीज तो देखी होगी मार्केट में, बहुत मिलती है, चाइना की सीरीज है ये, ठीक है, ये सीरीज है ना चाइना की है, ये 15 वाली। तो मैं दोस्तों बता दूं, इसमें लोड ज्यादा रहता है, इसको आप लगाओगे उसमें लोड ज्यादा रहता है, ठीक है ना। और देखिए ये बहुत जल्द, जो सीरीज बहुत जल्दी गर्म हो रही है, ठीक है, वो सीरीज संभाल लीजिए कि उसमें लोड ज्यादा है, मतलब गर्म हो रही है मतलब उसमें लोड ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप और देखिए, और ये एक और सीरीज बता देता हूँ, ये सीरीज ये पिक्सल, इसको बोलते हैं पिक्सल एलईडी, ठीक है, ये सीरीज है वाटर प्रूफ है। तो दोस्तों मैंने इसको अपने घरों में लगाई थी, जो मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, मेरे घर में जो लगी थी मैंने चेजर के थ्रू इनको रनिंग करवाई थी, वो यही सीरीज थी, ठीक है, अभी तक बढ़िया चल रही है, पिछले साल की है ये, 40 फिट की है और 80 रुपए की है पिक्सल एलईडी, ठीक है, ये गर्म नहीं होती बिल्कुल, और इसको आप जो है इस चेजर में 6 नहीं 12 नहीं बिल्कुल 18 लगा सकते हैं आप, जी हाँ, इसको 18 सीरीज एक साथ इस चेजर में लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखिए अब जो बात करते हैं कि एक सीरीज में कितना लोड होता है, देखिए लोड तो वैसे मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास मल्टीमीटर है, एडवांस मल्टीमीटर जिसमें कि एसी का करंट चेक किया जा सकता है, तो उसमें जो फार्मूला आप ला के देख सकते हैं, पी इज इक्वल टू वी आई, पी मतलब पावर, वी मतलब वोल्टेज एंड आई मतलब होता है करंट, ठीक है। देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, हमको पावर निकालनी मतलब कितने वोल्ट, तो वोल्टेज तो 220 रहेगा, अब करंट आई, आई जो है आप उस एडवांस मल्टीमीटर से चेक करके निकाल सकते हैं, और उसकी जरूरत भी नहीं, मैं आपको बता दे रहा ना। देखिए जब आप एलईडी ले रहे हैं, आपको पता है कि आप एलईडी ले रहे हैं सीरीज लाइट, तो बिल्कुल आप इस चेजर में कनेक्ट कर दीजिए 12, ठीक है, 12 आप लगा सकते हैं आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप ऐसी सीरीज ले रहे हैं जो एलईडी नहीं है, ऊपर से बहुत जल्दी गर्म हो रही है, ठीक है, कुछ इस तरह की, तो आप इसको भी लगा सकते हैं 12 लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो 15 वाली सीरीज रहती है वो जल्दी खराब हो जाती है,
ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और सेकंड बात क्या है कि इस चेजर में आप छः छः से ज्यादा लगा सकते हैं, ठीक है। आप जो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, लोग पूछ रहे थे 6 से ज्यादा लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं, 12 लगा सकते हैं, 18 भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये 6 चैनल का चेजर है, 4 का है तो आप 8 लगा सकते हैं, 12 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। और वाट के बारे में बता दिया है बिल्कुल, कितने पावर की आप सीरीज लगा सकते हैं। आप मार्केट में जो, अच्छा आप नेक्स्ट बात करते हैं, मार्केट में जो पट्टे वाली सीरीज आ रही है, पट्टे वाली एलईडी, ठीक है ना, वो मीटर के हिसाब से मिलती है। तो वो जो मीटर होता है वो 12 वॉट पर मीटर के हिसाब से उसमें पावर रहती है, वॉट, ठीक है। तो उसकी पावर रहती है, वो कंज्यूम करता है 12 वॉट पर मीटर के हिसाब से उसमें पावर रहती है। तो आप ऐसे बिल्कुल तो मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं आप कितने मीटर लगाना चाहते हैं, और आप इस चेजर में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरा जो वीडियो इसलिए बनाई मैंने क्योंकि कमेंट आ रहे थे पिछली 4-5 वीडियो जो मैंने चेजर भी बनाई थी कि कहाँ मिलेगा, कितनी सीरीज लगा सकते हैं, कितने वाट तक लोड दे सकते हैं, ये फलाना ढमकाना, ये सारी सवाल आपने पूछे थे मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, बहुत शानदार वीडियो है दीपावली के ऊपर, लाइट डेकोरेशन के ऊपर। तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों।